आप देखिएगा अगला जो हमारा पार्ट है बेटा वो दैट इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। तो हम बात इसकी करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। तो हमें एक वेक्टर के कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में करना है, क्लियर। देखो इसका मतलब पहले समझना, मतलब अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला याद कराऊं तो मुझे तो मुश्किल ही आती है और मैं नहीं चाहूंगा। आप मेथड समझिए और बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक वेक्टर ये बी है और आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर ये ए है, अब आप ये मत समझना सर ए किधर है, क्वेश्चन में एक कहेंगे वेक्टर ए है, कुछ दे दिया वैल्यू और दूसरा दे दिया बी, तो अपनी तरफ से बी को एक्स एक्सिस पे ले लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाएगा ए का कंपोनेंट बी के अलोंग बताओ, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट चाहिए आप उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल पे मान लो, दूसरे वेक्टर को आप थीटा एंगल पे मान लो, ये आ गया। अब आप बताओ बी के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या आता है, अगर आप देखो क्या कंपोनेंट आएगा, ये आएगा, ये आप देखिएगा दिस इज कंपोनेंट ए कॉस थीटा, देन दिस विल बी कंपोनेंट। तो अगर आप गौर से देखो अगर वेक्टर ए बी के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता है तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या आता है बेटा, ए कॉस थीटा। तो यहां पर हम ले रहे हैं हियर कॉम्पोनेंट जिसे हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इक्वल टू, तो देखो बेटा ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या है, ए कॉस थीटा। आप सीधे लिखो ए कॉस थीटा, आप यहां से स्टार्ट। अब मैं तुमसे कौन से सॉल्व करूं, तो देखो बेटा क्वेश्चन में ए और बी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप टाइप में दिया जाएगा, थीटा तो पता नहीं होगा, तो अगर तुमको सर ऐसा करते हैं ए दिया होगा मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालने की जहमत मत उठाओ, आप कॉस थीटा को गायब कर दो। अब अगला स्टेप समझिएगा, अगर मुझे कॉस थीटा को वैनिश करना है तो इसका बेस्ट तरीका मुझे लगता है ऊपर बी से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अगर हम b से ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे मल्टीप्लाई कर रिजल्ट अनएफेक्टेड हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा को a डॉट b लिखते हो और ये b आ जाएगा। इसका मतलब अब देखो a डॉट b निकालने के लिए हमें थीटा की जरूरत नहीं है, वो डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी निकालना जानते हैं। तो इसका मतलब हमारा ये क्या हुआ, देयरफॉर आपसे कहा जाए कॉम्पोनेंट ऑफ a along या इन द डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप याद रख सकते हो ए डॉट बी अपॉन बी, मतलब जिसके अलोंग चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। तो पहला तो स्टेप ये आया और ये आंसर भी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एक चीज को याद रखना है बेटा, तुम्हें पता ए डॉट बी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, यहां पर a डॉट b की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और b तो है ही है मैग्नीट्यूड। तो जब भी तुमसे किसी क्वेश्चन में एक वेक्टर a दिया जाए b दिया जाए और उसका कंपोनेंट पूछा जाए, अगर ऑप्शन सबसे पहले देखना, ऑप्शन में देखना ऑप्शंस के जो वैल्यूज हैं वो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ डेटा दे दिया है 10, 5, 4 या न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप इसको इस्तेमाल करो। लेकिन अगर ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप यानी वेक्टर में दिया है तो आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इफ ऑप्शन इज गिवन इन न्यूमेरिकल डेटा अप्लाई दिस, बट इफ द ऑप्शंस आर गिवन इन द वेक्टर फॉर्म दैट इज आई कैप जे कैप एंड के कैप, देन यू हैव टू मूव अ स्लाइटली अहेड। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्चुअली जब ये तुमको आई कैप जे कैप के कैप में देंगे तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में ये पूछते हैं वो वेक्टर वहां मौजूद होता है, मतलब तुम्हारे ऑप्शन में जो वेक्टर बी होगा उसका डेटा मौजूद होगा। तो अगर मैं इस जगह पर वेक्टर बी को लाना चाहता हूं तो सबसे बेहतर तरीका आपको नहीं लगता क्या है, बताइए बेटा, किसी चीज में हम किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें
जिससे कि हमारा रिजल्ट न बदले लेकिन हमें डायरेक्शन पता चल जाए, तो वो है यूनिट वेक्टर। तो मेरा अगला पर्पज है कि अगर आंसर आई कैप, जे कैप, के कैप में हो तब क्या करें, तो हमें जिस वेक्टर की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालना था उस वेक्टर की एंट्री करानी पड़ेगी, राइट? या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं सर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो कॉम्पोनेंट आया है न्यूमेरिकल में ये असल में बी के अलोंग ही है। तो मैं तो इसे यही कहूंगा बेटा बी को इंट्रोड्यूस कर लो। तो मुझे वेक्टर बी को इंट्रोड्यूस करना है, उसका बेस्ट तरीका है आप लिखो नाउ, अगला स्टेप जा रहे हैं, देखिएगा बेटा फिर ध्यान रखिएगा कॉम्पोनेंट को प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अगर आप निकालें और बी के एंट्री कराना चाहते हैं तो बताएं आप क्या करें, ए डॉट बी जो है अपॉन बी, इसमें आप यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पता है यूनिट वेक्टर के लिए हम बी कैप लगाते हैं, इससे हमारा रिजल्ट अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, साइड में वर्क कर लो, ये होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी, और बी को आप लिख सकते हैं इस तरह से वेक्टर बी अपॉन बी। अब आप ये लिख सकते हैं, अब आप इसको ऐसा करिएगा, को आप ऐसा करिएगा, देखो a डॉट b है, ये b वेक्टर आया, b और b बी स्क्वायर हो गया, देयरफॉर कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट ऑफ a अलोंग b अगर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं a डॉट b अपॉन b स्क्वायर इंटू वेक्टर b। ये तो यहां पे जानते हैं क्या a डॉट b की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, b स्क्वायर की न्यूमेरिकल, ये वेक्टर होगा, ये आपको आंसर दे जाएगा कि इसका क्या है ये आपका। तो जब कॉम्पोनेंट निकालना हो तो न्यूमेरिकल डेटा हो तो यहीं पे छोड़ दो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं तो यहां तक चले जाओ, राइट? अब जैसे देखिए क्या पूछा है, वेक्टर a ये दे रखा है, वेक्टर b ये दे रखा है, तो a इज गिवन, b इज गिवन, देन फाइंड आउट कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, ये पूछा है। तो आपको याद होगा कॉम्पोनेंट वाले केस में अगर हम सोल्यूशन निकालें, मैं अगर बेसिक्स पे चला जाऊं तो तुम्हें याद है अलोंग बी अगर ए का कॉम्पोनेंट चाहिए तो अगर ये एंगल थीटा ले ले तो इसका कॉम्पोनेंट बेटा बी के अलोंग क्या होता था, याद करो ये होता था ए कॉस थीटा, राइट? तो आप क्या लिखोगे, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। फिर याद होगा कॉस थीटा हटाने के लिए बी से मल्टीप्लाई किया बेटा, बी से डिवाइड किया, तो इसलिए ये ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी हो जाता है अपॉन बी। अब आप देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। डॉट प्रोडक्ट क्या आपको पता है कि आई का कोएफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे को जे से, एंड के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं आइए, आई का कोएफिशिएंट 2 यहां माइनस 1, जे का 3 यहां 3, के का माइनस 1 एंड 4 अपॉन बी। व्हाट इज बी, बी का मैग्नीट्यूड भी हुआ, आपने बी से क्या किया एरो हटा दिया, इट मींस यू आर एक्चुअली यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दैट वुड बी इक्वल टू देखिए माइनस 2 9 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट, यहां पर आ जाइएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, माइनस 2 3 3 जा 9 माइनस 4, क्लियर ये आ गया। अब आप देखिए इसका स्क्वायर करिएगा 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 16 16 9 25 26, तो ये ऊपर क्या बचेगा 6 आ जाएगा 4 एंड 2 6 एंड 3 3 अपॉन अंडर रूट 26 आया।
तो आप देखिएगा ये कॉम्पोनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है, आपको अगर उन्होंने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, मैंने तुम्हें बताया था अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालना हो तो यहीं पे छोड़ दो, अगर उसमें डायरेक्शन दिखानी है तो उसके लिए आगे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वाला फॉर्म एक दूसरे क्वेश्चन में ले लेते हैं, जरा सा देखिएगा एक और क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, एक सेकेंड का पॉज ले लीजिए आप चाहे। चलिए एक क्वेश्चन वन ये था, एक क्वेश्चन टू और लेते हैं नेक्स्ट में बेटा, ऐसा करेंगे ये न्यूमेरिकल नहीं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है वो वेक्टर वहां दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन टू कहें तो दैट वुड बी लाइक दिस, फाइंड आउट कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर इसका कंपोनेंट हमें बताना है और किधर बताना है, अलोंग आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, इस वेक्टर की डायरेक्शन में बताना है। रूल बड़ा सिंपल सा है, आप फिर जानते हैं, आप देखिएगा अगर आप इसे ए मान लें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसे बी मान लें आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, इन्होंने क्या पूछा है, देयरफॉर कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी अलोंग वेक्टर बी, बी के अलोंग आपको ध्यान होगा ए कॉस थीटा होता है, इसे आप क्या लिखोगे, फिर देखो ये क्या आएगा, बी से ऊपर मल्टीप्लाई करो बी से नीचे डिवाइड करो, या अब आप याद है ए बी कॉस थीटा, इसे आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। लेकिन अगर ये इतना आएगा तो अब आपको अच्छे से याद होगा कि अगर ये इतना आएगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। अगर आपको एंगल या सॉरी डायरेक्शन दिखानी हो, ये भी ध्यान रखना ए की डायरेक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि अलोंग किधर बताया है, बी के अलोंग, तो आपको इसमें बी की डायरेक्शन दिखानी चाहिए, तो आप लिखोगे ए डॉट बी अपॉन बी और बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, बी का यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो दिस इज द वेक्टर एंड इट्स अ मॉड, क्लियर। फाइनली यू आर गेटिंग दिस ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड यू आर गेटिंग वेक्टर बी हियर। अब आप चेक कर सकते हो ए डॉट बी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, बी स्क्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू, बी यहां जिंदा रहेगा, तो इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो देयरफॉर देखिए क्या आएगा, देखो बेटा ए डॉट बी क्या है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट देखो वन, यहां कॉम्पोनेंट वन, वन इंटू वन आया, यहां देखो वन माइनस टू यानी वन इंटू माइनस टू, वन के में है यहां टू अपॉन अपॉन आइए इधर b का स्क्वायर, मतलब b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर टू स्क्वायर, और फिर आ जाइए वेक्टर b, वेक्टर b जो कि ये है इसे एज इट इज लिख दीजिए, देखिए i कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, चेक करिएगा देखो वन आया माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया वन अपॉन, यहां देखिए वन फोर फोर, तो फोर फोर कैन एट और वन नाइन, वन बाई नाइन आया और यहां पर आया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। तो अगर आपका ऑप्शन आई जे के में या वेक्टर जिसके अलोंग वेक्टर चाहिए उसका वो वेक्टर वहां अवेलेबल हो तो आपको ये फॉर्मूला लेकर के चलना चाहिए, फाइनल आंसर ये आ गया आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन नाइन, ये आंसर क्लियर। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में करने का ये तरीका है और इसके अंदर आपको ये चीजें यहां पर मिलती है। एक क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़िए, इसे करते हैं, वेक्टर एडिशन का है जिसमें हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालते थे, वहां से क्वेश्चन है, क्लियर। पहले पढ़िए आप ध्यान से, देखो गिवन दैट ए बी एंड सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है,
जब एरो लगा दें तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट. क्लियर? आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू वेक्टर्स आर इक्वल, यानी एबीसी में से कोई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं इन मैग्नीट्यूड. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर, जो तीसरा वेक्टर बचेगा एबीसी में से, है इट्स अ मैग्नीट्यूड इज रूट टू टाइम्स दैट ऑफ द ईदर ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड. तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल था उनके रूट टू टाइम्स है. क्लियर? फाइंड एंगल बिटवीन देम. अब आप देखो अगर इसको सोल्यूशन में आए, पहली बात तो आप ये समझिएगा सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो है, इट मींस बेटा देखो तीन वेक्टर का वेक्टर सम जीरो हो इसका तो तीनों वेक्टर मिलकर के एक क्लोज साइक्लिक फिगर बनाते हैं, हेंस दे विल फॉर्म क्लोज साइक्लिक फिगर. इवन यहां पर जब तीन वेक्टर है तो बेटा आप लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्योंकि तीन वेक्टर से क्लोज ट्रायंगल बनेगा. बेटा ना ध्यान हो तो जहां पर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर कराया था वहां पर पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो. ठीक है? मतलब तुम्हें याद है दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर के अगर रिजल्ट जीरो बनाते हैं तो अगर उन वेक्टर को हम उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के अलोंग अगर हम ड्रॉ करें तो बिल्कुल एक क्लोज्ड साइक्लिक, साइक्लिक मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाला फिगर बनाते हैं. तीन वेक्टर है तो साइक्लिक फिगर विल बी ट्रायंगल. क्लियर? तो अगर मैं इसे बनाऊं इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी मिलकर के क्लोज फिगर बनाएंगे. देखो ये जाके कैसे पहले की टेल को आखिरी का हेड जाके टच करे तभी क्लोज साइक्लिक फिगर बनता है. अब आपके मन में एक बात आएगी, सर आपने 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बनाया, इतना थोड़ा सा तुम याद करो, प्रीवियस प्रैक्टिस आपकी होगी है क्या? आउट ऑफ थ्री टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट टू टाइम्स हो, ऐसा केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है. जैसे देखिएगा, मान ले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स है और इसका एक्स है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और तीसरा वेक्टर जो ये सी है इसका मैग्नीट्यूड उन्होंने बोला है रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स. आप अगर पाइथागोरस लगा के देख लो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट इसके बराबर आता है, इसलिए किया है. आप इस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर दीजिए, मतलब ये एंगल 90 है. अब ये अगर आ गया तो आपको एंगल पता चल जाएंगे. आप देखिएगा ये वेक्टर ए है, एंगल ऐसे बताएंगे बेटा इसको फॉरवर्ड बढ़ाओ और देखो ये बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल देखो ए है बी के साथ ये एंगल बनाएगा दैट इज 90 डिग्री. तो पहला आंसर आया एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री. क्लियर? अब आ जाइए यहां पर, इसको अगर आप देखो ये वेक्टर बी है, इसको आप आगे की ओर बढ़ाइए और देखो ये वेक्टर आप ले गए, तो देखो अगर बी यूं जा रहा होता और सी यूं जा रहा तो ये एंगल आएगा इनके बीच का. आप इस एंगल को अल्फा से लिखना चाहे लिख लें, ये वाला एंगल क्या आएगा ये यहाँ पर मिटा दें. अगर आप देखो ये कितना आएगा, देखो बेटा ये 90 है, ये और ये साइड सेम है तो ये एंगल 45 हो जाएगा. मैं फिर बता दूं तीनों एंगल का सम 90 सॉरी तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल में 180 होता है. अगर इसका 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 टोटल 180 है, ये 90 है, इसका तो इसका इसका टोटल 90 होगा, लेकिन x के सामने वाले का एंगल और इस x के सामने का एंगल सेम होगा, यानी ये 45 और 45 होंगे. बताओ तो ये बीटा एंगल कितना हो जाएगा? तो आप देखिएगा आंसर यहां लिख रहे हैं एंगल बिटवीन, ये देखो बेटा ये वेक्टर b और ये वेक्टर c, वेक्टर b एंड c इसको हमने बीटा से लिखा दैट इज इक्वल टू, बेटा ये पूरा एंगल 180 में से 45, तो आप ऐसे करते 180 माइनस 45 ये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135 डिग्री. तो दूसरा एंगल ये आ गया. तीसरा आइएगा, देखो बेटा अब हमें निकालना है ए और सी के बीच का एंगल. देखो सी इधर जा रहा है, अगर आप कहोगे सी यूं जा रहा है और ए यूं जा रहा है तो इनके बीच का एंगल ये हुआ गामा. तो लास्ट अगर आ जाए यहां पर लिख लीजिए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी,
बट ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा एंगल लेते हैं। देखो ए ऐसे गया तो आप ऐसे बनाते, ये ए आपने कहा सर ऐसे बना, सी यूं जा रहा है आप टेल उनकी जोड़ी, अगर ये सी यूं जा रहा है ये वेक्टर सी, तो इनके बीच का एंगल ये आएगा गामा, और ये कितना होगा, ये 45, ये पूरा 180, 180 में से 45 आप माइनस करिए, इक्वल टू 135 डिग्री, राइट। तो तीन एंगल, तीनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अल्फा इक्वल टू 90, वेक्टर ये बी देखो ये बी जो ऐसे जा रहा है, वेक्टर सी ये इधर जा रहा है, इसके बीच का एंगल बीटा इक्वल टू 135 और ये गामा इक्वल टू 135, ये है इंपॉर्टेंट, आप इसे करिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से।